नमस्कार। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद कांग्रेसियों में हड़कंप मचा हुआ है और वो अपना संतुलन खो बैठे हैं। यहां पर एक सबसे बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी के बारे में बड़े बिगड़े बोल दिए हैं। वहीं दोस्तों, सीएम बघेल ने भी ईडी को धमकाया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईडी को धमकाया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशक यानी कि ईडी से पूछताछ शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस सड़क पर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार बहुत ही अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक पार्टी नेता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईडी को धमकाया है। नागपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने कहा है, नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे कि कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की ही मौत होगी। हो सकता है इसके खिलाफ मुझे 1000 नोटिस मिल जाए, लेकिन मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुसैन के इस बयान का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। भाजपा नेताओं ने हुसैन के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में गिट्टी खदान थाने में मामले भी दर्ज किया गया है। बीजेपी ने हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी। यहां पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक बातें शोभा नहीं देती। वहीं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम अब अपने कर्मचारियों को AICC कार्यालय में नहीं ला जा सकते। हमें बताया गया है कि केवल 2 CM ही यहां आ सकते हैं, किसी और को अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, उनको बहुत महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।